आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दिल्ली में दहशत के बीच शांति की कोशिश, बीजेपी का आरोप, हिंसा कांग्रेस और आप नेताओं ने भड़काई। केंद्र सरकार को भड़काऊ भाषण पर रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को। दंगा भड़काने का आरोपी निकला आपका पार्षद ताहिर हुसैन। आईबी कांस्टेबल की हत्या का भी है आरोप। रायपुर के मेयर एजाज ढेबर और कई बड़े लोगों के यहाँ आयकर का छापा। आयकर छापे से छत्तीसगढ़ में हड़कंप। और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का दावा, एमपी से राज्यसभा में जाएंगे दो कांग्रेसी और एक भाजपा नेता। नमस्कार, मैं हूँ सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली हिंसा मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में पिछले दो दिनों से शांति है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, साजिश करने वाले बेनकाब होंगे। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और आपके नेताओं ने हिंसा को भड़काया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाने की बजाय विधानसभा में इन दंगों में मरने वालों का मजहब बता रहे हैं। कल सोनिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंचे और वहां भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं। जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि ये दो दिन की हिंसा नहीं है, दो महीने से लोगों को उकसाया जा रहा है। सीए पारित होने के बाद रामलीला मैदान में सोनिया गांधी जी की रैली हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर पार की लड़ाई है, फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार। उकसाने का काम वहीं से शुरू हुआ है। विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन कौन मरे, उनका मजहब क्या था, ये बता रहे। तो ये और कांग्रेस, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सोनिया जी ने, आज राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंचे और वहां बीजेपी को दोष देने में लगे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये दो महीने का आंदोलन केवल नहीं है, यानी आज दो दिन की हिंसा नहीं है, दो महीने से लोगों को उकसाया जा रहा है। 11 दिसंबर को नागरिकता कानून का संशोधन हुआ, 14 दिसंबर को रामलीला में कांग्रेस की रैली हुई, उसमें सोनिया जी ने कहा यह आर पार की लड़ाई है, फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार। प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, प्रियंका ने कहा कि लाखों को बंदी बनाया जाएगा, जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आप डरो मत, कांग्रेस आपके साथ है, किसी की नागरिकता नहीं जानी है। ये जानते हुए भी जानबूझकर ऐसे गलत बयानी और डर पैदा करना ही इसकी पृष्ठभूमि है। उकसाने का काम वहीं से शुरू हुआ है। आपके पार्षद ताहिर हुसैन के मकान पर मिले पत्थर, पेट्रोल बम, गुलेल का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ताहिर के घर पर दंगे की तैयारी का सामान मिला है। ये लोग जिन्ना वाली आजादी, 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी, असम को अलग करना पड़ेगा, ये सब उकसाने वाले भाषण हुए। पुलिस पर हमला हुआ लेकिन कांग्रेस और आप चुप है, हम ओछी राजनीति की भर्त्सना करते हैं। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल तक का समय दे दिया है। तब तक केंद्र सरकार को भड़काऊ भाषण पर रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय को दिल्ली हिंसा मामले में पक्षकार बनाए जाने की दलील को मंजूरी दे दी है। केंद्र और दिल्ली पुलिस के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल कोर्ट में आदेश जारी कर जवाब मांगा था कि जो भड़काऊ बयान दिए गए थे उन पर कार्रवाई की जाए, जबकि ये बयान 1-2 महीने पहले दिए गए हैं। याचिकाकर्ता केवल 3 भड़काऊ बयानों को चुनकर कार्रवाई की मांग
नहीं कर सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास इन तीन हेट स्पीच के अलावा कई और हेट स्पीच हैं जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। याचिकाकर्ता ने चुनिंदा सिर्फ तीन वीडियो का हवाला दिया है। एक जनहित याचिका में ऐसा नहीं होता। केंद्र को पक्षकार बनाया जाए या नहीं, ये कोर्ट को तय करना है, याचिकाकर्ता को नहीं। हम हिंसा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्र की इस दलील पर याचिकाकर्ता की ओर से बोले वकील कोलिन गोजालविस ने कहा कि सबसे पहले आज ही सभी के खिलाफ FIR दर्ज हो, फिर फटाफट गिरफ्तारी भी हो। इस पर चीफ जस्टिस DN पटेल ने पूछा कि 11 FIR दर्ज की गई हैं। जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल तक हमने 11 और आज 37 FIR दर्ज किया, कुल 48 FIR दर्ज किए गए हैं। याचिकाकर्ता इस पर FIR चाहता है कि कपिल मिश्रा ने ऐसा किया या वारिस पठान ने ऐसा किया, मौत या आगजनी या लूटपाट होने पर हमें FIR दर्ज करनी होती है, अन्य मुद्दों में समय लगता है। दिल्ली में हिंसा भड़काने वालों में आप नेताओं के नाम आ रहे हैं। दंगा भड़काने का एक आरोपी आप पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन है, जिस पर दंगा भड़काने और IB कांस्टेबल की हत्या का आरोप है। आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन का बचाव कर रही है। वहीं पुलिस को ताहिर हुसैन के घर से कई पेट्रोल बम और कई आपत्तिजनक सामान मिला है। दिल्ली में हुई हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नागरिकता कानून को लेकर बीते रविवार को CA विरोध और समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल उठी। इस हिंसा को भड़काने में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसमें एक नाम आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का है, जिन पर दंगा भड़काने के साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। इस हत्या में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि आप नेता हुसैन ने सफाई देते हुए खुद पर लगे सभी आरोपों को नकारा है। ताहिर दिल्ली की राजनीति का जाना माना चेहरा नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शाहदरा नेहरू नगर चांदबाग के इलाके में ताहिर का रसूख है। आम आदमी पार्टी से 2017 में नेहरू विहार से 8वीं पास ताहिर हुसैन पार्षद बने। ताहिर ने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई दी है कि इन मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पुलिस जब ताहिर हुसैन के घर की छत पर पहुंची तो दंगा भड़काने वाली कई आपत्तिजनक चीजें वहां मिली। हमला करने के लिए छत पर भारी मात्रा में ईंट के टुकड़े और पत्थर जमा किए गए थे। इसके अलावा गुलेल और बड़ी संख्या में पेट्रोल बम भी पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्जन भर कारोबारियों के निवास और प्रतिष्ठानों में एक साथ छापामार कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के दफ्तर और निवास सहित उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों में भी छापामार कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की दबिश से हड़कंप मच गया। इन दिनों आयकर विभाग की टीम उन प्रतिष्ठानों को निशाने पर रखा हुआ है जिनके द्वारा आयकर भरने में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। रायपुर में गुरुवार सुबह 7 बजे से आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई शुरू की। छापामार कार्रवाई में शराब कारोबारी पप्पू भाटिया, CA कमलेश जैन, संजय संचेती, होटल कारोबारी गुरुचरण होरा, मीनाक्षी टुटेजा सहित कई रसूखदारों के ठिकानों पर दबिश दी गई। रायपुर के महापौर एजाज डेबर के दफ्तर और निवास सहित उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों में भी छापामार कार्रवाई की गई है। इन सभी लोगों के प्रतिष्ठानों में वित्तीय अनियमितता की जांच की जा रही है। प्रभावशाली लोगों को घर छापा मारने के लिए आयकर अफसरों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मदद ली थी। एक साथ दर्जन भर ठिकानों पर आयकर रेड की खबर से हड़कंप मच गया है। बीती 12 फरवरी को प्रधान आयकर आयुक्त ने चेतावनी दी थी कि जो लोग आय से अधिक संपत्ति संचित कर रहे हैं अघोषित संपत्ति सरेंडर कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने छत्तीसगढ़ के 264 लोगों के लेखा जोखा में गड़बड़ी करने और आयकर की चोरी करने के लिए चिन्हित कर रखा है। नरसिंहपुर नर्मदा शुगर मिल पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। इसका संचालन करने वाले महेश्वरी ग्रुप के सभी ठिकानों पर आयकर ने छापे डाले हैं। होशंगाबाद जिले की बनखेड़ी के रामदेव शुगर मिल, साली चौका की नर्मदा शुगर मिल में भी आयकर का छापा मारा गया। करीब 20 से 25 सदस्यीय टीम जाँच में जुटी है। गुरुवार की सुबह 6 बजे के लगभग आयकर विभाग की 6 गाड़ियां नर्मदा शुगर मिल के अंदर प्रवेश की तो वहां मौजूद कर्मचारी अधिकारी सकते में आ गए। टीम ने सभी को ऑफिस से बाहर निकाल दिया और नर्मदा शुगर मिल के सभी दफ्तर में आयकर की टीम दस्तावेज खंगालने में जुट गई। टीम के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी गेट और शुगर मिल के तैनात हो गए। किसानों को किसी भी दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया और ना ही मीडिया को। शुगर मिल के साथ इथेनॉल और बिजली बनाने का काम भी किया जाता है। शक्ति शुगर मिल कौड़िया में भी कार्रवाई जारी है। भोपाल के इनकम टैक्स की टीमें दस्तावेज की जांच कर रही हैं। पिपरिया में भी क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति ठैनी वाले सेठ की 7 मिलों और कई कार्यालयों पर इनकम टैक्स की एक दर्जन से अधिक टीमों ने गुरुवार को सुबह 6 बजे से छापामार कार्रवाई की है।
इनोवा सहित कई लग्जरी गाड़ियों में आए इनकम टैक्स अधिकारियों ने जयगिरिराज राइस मिल, खापरखेड़ा राइस मिल, शोभापुर रामदेव शुगर मिल, वनखेड़ी शक्ति शुगर मिल, कौड़िया सहित बैतूल और गुजरात बॉर्डर पर स्थित शुगर मिल पिपरिया में श्रीजी एग्रो श्रीनाथ ट्रेडर्स के कागजात खंगाले हैं। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार की रेत उत्खनन नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस सरकार में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, कमलनाथ सरकार में पैसे लेकर पोस्टिंग की जा रही है, सरकार केवल शराब व्यापारियों की जेब भरने में लगी है, कमलनाथ सरकार के लिए निवेश मतलब आईफा अवार्ड है। सारंग ने कहा, कांग्रेस हमेशा विभाजन की राजनीति करती आई है। सरकार की नीतियों को लेकर पूर्व मंत्री और नरेला विधायक विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार में अवैध उत्खनन जोरों पर किया जा रहा है। सरकार ने विज्ञापन जारी किया था कि रेत उत्खनन से राजस्व प्राप्त हुआ है, लेकिन अवैध उत्खनन बंद नहीं हुआ है। सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश को प्रशासकीय रूप से लकवा लग चुका है, जब पैसे ले लेकर पोस्टिंग की जाएगी तो प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। यह सरकार केवल शराब व्यापारियों की जेब भरने में लगी हुई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को केवल इसलिए अटकाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों को लगता है कि वे इसे मुद्दा बनाकर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में फायदा ले सकते हैं। कोई एक वर्ग, व्यापारियों का वर्ग, मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत करता है कि अधिकारी ये कर रहे हैं। सही मायने में मध्य प्रदेश में प्रशासकीय रूप से लकवा लग गया है। प्रशासकीय अधिकारी पूरी तरह से निष्ठुर होकर अपनी मनमानी करते हुए प्रदेश में राज मचाए हैं, और उसका सीधा कारण है, चाहे वो आबकारी विभाग हो या प्रदेश के दूसरे विभाग हो, जब पैसे मोटी रकम लेकर अधिकारियों की पोस्टिंग होगी तो मंत्री या मुख्यमंत्री या सरकार उनको ठीक से नहीं चला सकती, वो उल्टा आग दिखाते हैं सरकार को, क्योंकि पैसे देके उन्होंने पोस्टिंग की है। सारंग ने कहा, 1.5 साल में कांग्रेस ने केवल विभक्त करने की राजनीति की है। इनके लिए हर पेशे और क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वो वकील हो, प्रशासकीय अधिकारी हो, कांग्रेस या भाजपा का कार्यकर्ता हो जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि जब मध्य प्रदेश सरकार निवेश की बात करती है तो जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देता। आप निवेश को आईफा अवार्ड से जोड़ते हो। वो हर वर्ग को कांग्रेस और भाजपा में विभक्त करना चाहते हैं। उनके लिए अधिकारी कोई कांग्रेसी हो जाता है, कोई भाजपा वाला हो जाता है। उनके लिए प्रोफेशनल्स, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भाजपा का हो जाता है, कोई कांग्रेस का हो जाता है। देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है, जब आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हो तो आप इन्वेस्टमेंट पर कोई काम नहीं करते, केवल लफाजी करते हो। आप इन्वेस्टमेंट को आईफा अवार्ड से जोड़ते हो। राज्यसभा चुनाव को लेकर सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश से कांग्रेस की 2 और भाजपा की 1 सीट आएगी। गोविंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर चुटकी ली और कहा कि जो घोषणा करते हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ घोषणा नहीं करते, काम करते हैं। मध्य प्रदेश से विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने गणित हैं। भाजपा के 3 सीटों पर राज्यसभा जाने को लेकर सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की 2 सीटें आएंगी, भाजपा की 1 सीट आएगी। गोविंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ घोषणा नहीं करते, जो घोषणा करते हैं उनको जनता ने सड़क पर ला दिया है। दिल्ली हिंसा को लेकर गोविंद सिंह ने कहा कि इसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। बीजेपी गप पास्टिक पार्टी है, गप ठोकने के अलावा उन पर कोई काम नहीं है।
हम तो सच्चाई पर आधारित हैं। मैं उनको चुनौती देता हूँ, तीसरी सीट कितनी आसानी से जीतते हैं। दो सीटें कांग्रेस जीतेगी, एक सीट भाजपा जीतेगी। सच्चाई है, सच्चाई पे मैं चलता हूँ। शिवराज सिंह जैसे लफाजी में नहीं करता। नारायणपुर मुख्यालय से करीब 61 किलोमीटर दूर कड़ेमेटा पुलिस कैंप में नक्सलियों के द्वारा बीती रात फायरिंग की। रात के अंधेरे में सुरक्षा बल के जवानों पर की गई ताबड़तोड़ गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जवानों के द्वारा आधुनिक हथियारों से नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग करने के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। नारायणपुर एएसपी जयंत वैष्णव ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए बुधवार को रात के अंधेरे में गोली चलाई गई, जिसके बाद जवानों की ओर से जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग खड़े हुए हैं। नक्सलियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा डेरा डालकर कैंप खोलने के बाद से लगातार नक्सलियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। 20 दिन पहले इस इलाके के करीब 2 दर्जन गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा कैंप के सामने धरना प्रदर्शन कर 1 सप्ताह तक विरोध जताया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाइश देकर कैंप के सामने से उठाया गया। इस इलाके में बुधवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एसटीएफ का जवान संजय बड़ा के पैर में गोली लगी, जिसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बस्तर कोंडागांव और दंतेवाड़ा सीमा के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में 7 दशक के बाद फोर्स की चहलकदमी हो रही है, जिससे नक्सलियों में बौखलाहट दिख रही है। अबुजमांड के बाद नक्सलियों का सबसे सेफ जोन माने जाने वाले कड़ेमेटा इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती से माहौल गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, यह खबर आपके परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा से है। यह खबर आप दोनों के लिए बेहद जरूरी है। मंत्रालय के एसी कमरों तक शायद ये बात आपके कानों तक न पहुंच पाए, क्योंकि यह खबर एक छोटे से गांव की है जिसकी पहुंच शायद मंत्रालय तक ना हो। बात बच्चों के भविष्य की है। यह खबर इसलिए भी गंभीर है क्योंकि गांव के ही सरपंच और सचिव इन बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। 12 सालों से इनकी मिली भगत से आज तक एक स्कूल भवन का निर्माण अधूरा है और बच्चे पढ़ पाए इसलिए गाँव के ही परिवार ने अपने घर में स्कूल लगवाना शुरू कर दिया है। सुनिए मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, आपकी व्यवस्थाओं में अव्यवस्था दिखाना पत्रकारिता का धर्म है, सो हम निभा रहे हैं और आपको चेता भी रहे हैं कि आपके द्वारा दी गई राशि का क्या दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, आपकी विधानसभा में एक स्कूल ऐसा है जो पिछले 12 सालों से बन रहा है, मगर आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हो पाया है। आप इतना तो जानते ही हैं, एक साधारण सा स्कूल भवन बनने में 12 महीने ही पर्याप्त हैं, तो 12 साल क्यों लग गए? बस यहीं से किसी घोटाले की बू आने लगती है। और आपको बता दें कि यह घोटाला कोई और नहीं बल्कि गांव के सरपंच और सचिव मिलकर कर रहे हैं। सरपंच और सचिव की मिली भगत से सरकार की दी हुई राशि का जमकर बंदरबांट हो गया है और स्कूल सिर्फ कागजों पर ही बन पाया है। तो मंत्री जी, गलती आपकी भले ही ना हो, पैसा तो आपने आपकी सरकार ने दिया है, मगर आपसे शिकायत ये जरूर है कि आप मंत्रालय के इसी कमरों से निकलकर जनता के बीच क्यों नहीं जाते हैं, उस जनता के बीच जिन्होंने आपको मंत्रालय तक पहुंचाया है। आखिर उस जनता के लाभ के लिए दिया गया सरकारी पैसा सही जगह उपयोग हुआ ये नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है मंत्री जी, क्योंकि वोट मांगने जनता के बीच आप खुद चल कर गए थे। ये लगभग विगत 10-12 साल तो हो चुके, इसको निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। अरे पंचायत का काम है तो सब लोग, गांव वाले भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, मगर कोई दबंगों के हाथ में ये काम रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जैसी नगर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सेवन के ग्राम सोमकुआ की शासकीय प्राथमिक शाला पिछले 12 सालों से निर्माणाधीन है। इस शाला का निर्माण हो रहा है परंतु आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हो पाया है। 12 सालों का समय बहुत लंबा होता है, ऐसे में सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने इसकी सुध भी नहीं ली है। अब बात बच्चों के भविष्य की है, तो बच्चे पढ़े कहां बैठकर, या शिक्षक सभी बच्चों को पढ़ाएं कहां? बच्चों के भविष्य की चिंता में
स्कूली बच्चों को गांव के ही एक परिवार ने पनाह दी है और स्कूल अपने घर पर ही लगवाना शुरू कर दिया है। बच्चे कहां बैठकर पढ़ेंगे इसकी चिंता सरपंच और सचिव को बिल्कुल नहीं है। ये तो मिली भगत से स्कूल निर्माण के लिए मिली सरकारी राशि का जमकर बंदरबांट कर बैठे हैं। सोनकुआ गांव की यह स्कूल कागजों पर 12 सालों से सरपंच और सचिव बना रहे हैं मगर इनकी नियत में खोट है, इसीलिए यह स्कूल भवन आज तक नहीं बन पाया है। सोनकुआ गांव के इस जर्जर कच्चे मकान में ये स्कूल लगाई जा रही है जहां स्कूली बच्चे सुरक्षित नहीं है मगर मजबूर हैं, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। शिक्षक से स्कूल के बारे में पूछने पर बताया कि दबंगों की दहशत के चलते हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी दहशत के चलते ग्रामीण शिक्षक किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग एक बार बनते बनते धराशायी हो गई और फिर से बनना शुरू हुई तो आज तक नहीं बन पाई। आज स्थिति ऐसी है कि देश का भविष्य खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। मंत्री जी जरा मंत्रालय के इसी कमरों से निकलकर बाहर आइए और जनता के बीच जाकर देखिए। बोल रहे थे ये जो स्कूल है ये बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं आपके मकान में ही? हाँ, टाइम पढ़ रहा। कितने साल से पढ़ रहे हैं? 14 साल। 14। और ये जो स्कूल बन रहा है सामने कितने साल से बन रहा है लगभग? अब ये तो ये पहले बनी थी तो गिर गई थी। हाँ। और अब फिर चालू होगा काम, बना ही नहीं पा रहे अच्छे से। सिगरौली के बरगवा रेलवे स्टेशन पर पहली बार यूरिया खाद की रैक पहुंची। कलेक्टर ने जिसका उद्घाटन करते हुए बताया कि लंबे समय से रैक की मांग की जा रही थी, किसानों को अब यूरिया खाद की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा, साथ ही कम कीमत में यूरिया खाद मिल सकेगी। सिंगरौली में यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे जिले के किसानों के लिए रात भरी खबर है। पहली बार रेल के रैक से बरगवा रेलवे पर यूरिया खाद स्टेशन पर पहुंचा, जिसका उद्घाटन जिले के कलेक्टर KVS चौधरी ने किया। कलेक्टर चौधरी ने कहा कि लंबे समय से खाद की मांग हो रही थी जो कि अब पूरी हो गई है, इससे किसानों को खाद के लिए अब किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें सस्ते दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सकेगी। जिले के कृषि अधिकारी आशीष पांडे ने बताया कि रैक न लगने से किसानों को जो 40 रुपये एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज देना होता था जो अब उन्हें नहीं देना पड़ेगा। अभी 15 दिन के भीतर दूसरा रैक भी यूरिया से भरा आने वाला है तथा अप्रैल महीने तक DAP की भी एक रैक आएगी। अब किसानों को खाद के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। गौरतलब है कि एक रैक में लगभग 60,000 बोरी खाद की डिलीवरी होती है। उक्त खाद की बिक्री निजी विक्रेताओं के द्वारा किसानों को की जाएगी जिसमें कंपनी द्वारा डीलरशिप की जिम्मेदारी साधु शरण शाह को सौंपी गई है। भोपाल सहित प्रदेश के मौसम में एक बार फिर ठंडक घुल गई है। कई शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से कम हो गया है। भोपाल में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। आने वाले 4 दिनों तक मौसम अपने रंग बदलता रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। शेष संभाग के जिलों का मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के जिलों में काफी गिरा है। शेष संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस छिंदवाड़ा, रायसेन व खरगोन में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के मौसम में 29 फरवरी से बड़ा बदलाव आ सकता है। 29 फरवरी से 2 मार्च के बीच भोपाल सहित ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। लगातार मौसम बदलने की वजह जम्मू कश्मीर से गुजरने वाला पश्चिमी विक्षोभ है। कई जगहों पर ओले गिरने से किसानों को नुकसान हो सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहले ही ओलावृष्टि हो चुकी है। विभाग का कहना है कि 29 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो काफी मजबूत है, इससे प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होने पर भी संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। We'll be right back.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।